हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी ग्लैमर गर्ल और आज मैं आप लोगों के लिए एक ही यूनिक वीडियो लेकर के आई हूं, जो कि काफ़ी ओल्ड मॉडल हैं रेखा, उनका उनके फ़ोटो को लेकर के मैंने ये वीडियो को तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं, एज विज आपको सारा मेकअप का पहले से पता ही होगा। आप जो लोग मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच जाएगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं लाइक किए हैं, वो लोग भी प्लीज़ देखें, मेरे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें मैं आपको कुछ कुछ टिप्स सिर्फ दी हूँ, आई मेकअप दिखाई हूँ, लिप का मेकअप पूरा दिखाई हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने अपना बेस जो है पहले से रेडी कर लिया था। फिर भी कुछ कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैंने आपको दिया है, दिखाया है थोड़ा थोड़ा सा, बट ऑल मेकअप तो आपको अच्छे से पता ही होगा। जो मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच ही चुकी होगी। उन लोगों ने तो मेरी सारी वीडियो में देखा ही होगा कि मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ, किस तरह से मेकअप करती हूँ, देन आई मेकअप करती हूँ। तो गाइज़, ये वीडियो मैंने रेखा जी के फ़ोटो को लेकर के इंस्पायर किया हुआ है। तो उनका एक सिंपल लुक है जो कि ब्लैक आइज़ है, स्मोकी आइज़ पे पिंकेस में, हल्का पिंकेस में शाइनिंग लिप को उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप मैं वही कोशिश की हूँ, बट आप देखो, आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगे या फिर किसी तरह का कोई भी आपको लगे कि मिस्टेक हुआ है, या फिर आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यूनिक तो कुछ है नहीं वैसा, बट हाँ, आप लाइनर मैं अपने आईज़ पे पहले फाउंडेशन यूज़ की हूँ, देन फिर कंसीलर यूज़ की हूँ, उसके बाद कॉम्पैक्ट से लूज कॉम्पैक्ट से मैंने उसको सेट किया है। देन फिर मैं अपने आईज़ पे आईलाइनर जो है वो उसको लेकर के मैंने पहले अपने आईज़ पे आईलाइनर को अप्लाई किया है। काफ़ी डार्क आईलाइनर मैंने यूज़ किया इसमें, देन ब्लैक आई शैडो लेकर के मैंने उसे मस किया, देन मेरे स्मोकी आईज़ के अपर में, उनका आईज़ आप देखोगे तो डाउन में आईलाइनर के पास में कुछ डार्क है ब्लैक, देन ऊपर में हल्का ब्लैक है, तो मैंने उसको मैरून सॉरी सॉरी ब्राउन आई शैडो लेकर के मैंने उसको क्रिएट किया हुआ है। देन मैं लोअर आईज लाइन पर मैंने वही सेम आईलाइनर को यूज़ किया है। काफ़ी डार्क उन्होंने आईलाइनर लगाया था नीचे में भी, अपने आईज़ के नीचे में भी। देन आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट आईज जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, आप लोगों को मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। अदरवाइज़ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि काफ़ी मेकअप यूज़ करती हो, इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हाँ, अगर मैं मेकअप यूज़ भी करती हूँ तो अपने फेस का केयर भी करती हूँ। तो आपको अपने फेस की स्किन का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा केयर करना है, काफ़ी ध्यान रखना है। कोई भी प्रोडक्ट हो, ब्रांडेड हो या ना हो, आप अगर अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूर है कि आप एक अच्छे कंपनी का या फिर एक अच्छे प्रोडक्ट लेकर के अपने फेस पे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद फिर जा कर के आप अपने फेस पे अच्छे कंपनी का लैक्मे हो गया, अदरवाइज़ मार्स का हो गया। हाँ, आप लोगों को मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग ये मोदी केयर का नाम ज़रूर सुने होंगे, तो आप किसी मोदी केयर का मॉइस्चराइज़र ले लें या फिर मोदी केयर का प्रोडक्ट ले लें। सो गाइज, मैं आपके साथ में एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें मैं मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी।
तो मैं आप वेट करो कि मैं वो वीडियो कब लाती हूँ, तो आपको मैं कुछ वीडियोस शेयर कर दूँगी, आपको अगर उसका लिंक चाहिए होगा, या फिर कुछ फोटोज़ भी मैं अपने इंस्टा पे डाली हूँ, आप चाहें तो मेरे इंस्टा ग्रुप में जा करके और आप देख सकते हैं। सेम एक्चुअली उसमें माया पांडे के नाम से मेरा आईडी है, तो वो आप जा करके वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे भी सेम आईडी है ग्लैमर गर्ल्स, उसमें भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा करके देख सकते हैं। मैं उसके कुछ प्रोडक्ट्स के वीडियो एंड फोटोज़ मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स उसमें से पसंद आए या फिर कुछ लेना हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। देन आपको अपने फेस पे मेकअप को काफ़ी टाइम तक नहीं रखना है। बाय द वे, अगर ऐसा हो जाए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं या फिर खुद की मैरिज है, देन मैरिज है तब तो आपको अपने फेस पे ये चीज़ मेकअप को तो अप्लाई करके रखना ही है। अदरवाइज़ अगर आप फ्री हैं, जैसे मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर वीडियो मैं बना रही हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैं सो गाइज़ चलिए इस बारे में फिर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और मैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरा लुक सेम उनके जैसा तो नहीं लग रहा है, बट फिर भी है। सो गाइज़